रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, रोजे की हालत में अपनी जबान को जिक्र इलाही से तर रखो, रोजे की हालत में दुरूद व सलाम की कसरत करो। तुम नहीं जानते कि रोजे की हालत में जब तुम्हारा एक नन्ना सा बच्चा पहला रोजा रखता है तो उस बच्चे का तुम कितना ख्याल करते हो, उसे संवारते हो, उसे अच्छा लिबास पहनाते हो। वो बच्चा भूख प्यास की बात करता है तो बहलाते हो, गार्डन में घुमाने लेकर के जाते हो, बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, तुमको ये दिलाऊंगा, तुमको ये दिलाऊंगा, तुमको ये दिलाऊंगा। और जैसे ही वो इफ्तार तक रुका रहता है, इफ्तार का वक्त होता है, जल्दी जल्दी आप उसे देते हैं और जल्दी से वो खा पी ले, आप उसका एहतमाम करते हैं। और जैसे ही वो खा पी लेता है आपको खुशी खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे ने रोजा मुकम्मल किया। वो चलता है तो आपको अच्छा लगता है, वो बैठता है तो आपको अच्छा लगता है, वो लेटा होता है तो आपको उस पर प्यार आता है। ये एक माँ और बाप की पोजीशन होती है। अल्लाह की जात सारी तमसील से पाक है। इसी तरीके से रोजेदार रोजे की हालत में भी सोता है तो मेरा मौला फरिश्तों से हुक्म फरमाता है, बंदा भले सोया है दफ्तर के अंदर इबादत का सवाब लिख दो, इसलिए कि ये भूखा रहा है मेरे लिए। नारे तकबीर। SDI चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले हमारी नए वीडियोस और लाइव इज्तिमा के लिंक मिले।